सनातन धर्म ग्रंथों में सबसे प्राचीन है वेद और इसके बाद आते हैं उपनिषद जो कि गुरु शिष्य संवाद पर आधारित है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और इन्हीं में से एक है गर्भ उपनिषद। इस उपनिषद के रचयिता पिप्पलाद ऋषि हैं। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें एक भ्रूण के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म लेने और गर्भ के अंदर रहने के दौरान भ्रूण के शारीरिक विकास और मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के समीप बैठना। गर्भ का अर्थ होता है बीज या भ्रूण जो विकसित होकर एक नए जीव का रूप लेता है। भागवत गीता के 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को संसार में बीजारोपित करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। गर्भ उपनिषद भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी पर आधारित वह ग्रंथ है जो गर्भावस्था और भ्रूण के विकास के जैविक यानी बायोलॉजिकल और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल दोनों पहलुओं को दर्शाता है। इसमें लिखी बातें आज के आधुनिक एम्ब्रियोलॉजी से काफी हद तक समान है। एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो मनुष्य में गर्भावस्था के 9 महीनों के दौरान होने वाले भ्रूण यानी एम्ब्रियो के विकास पर आधारित है। जहां एम्ब्रियोलॉजी का ज्ञान आधुनिक विज्ञान को आज से लगभग 300 वर्ष पहले मिला था, वहीं गर्भ उपनिषद में यह ज्ञान हजारों वर्ष पहले पिप्पलाद ऋषि द्वारा लिख दिया गया था, वह भी तब जब आज की तरह कोई आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन और माइक्रोस्कोप इत्यादि नहीं हुआ करते थे। गर्भ उपनिषद के पहले श्लोक में ही महर्षि पिप्पलाद ने इसके पीछे के उद्देश्य का वर्णन किया है। यद गर्भोपनिषद द्वयम् गर्भस्य स्वात्मबोधकम् शरीरापन्हवात् सिद्धम् स्वमात्रम् कलये हरिम्। अर्थात यह गर्भ उपनिषद आत्म अध्ययन और आत्म साक्षात्कार के लिए है और इसका उद्देश्य जीवन को समझने और श्री हरि के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का है जिससे अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो सके। गर्भ उपनिषद की रचना केवल संस्कृत भाषा तक ही सीमित नहीं है। 19वीं शताब्दी के अंत में एक जर्मन विद्वान पॉल ड्यूसन ने 108 उपनिषदों में से 60 उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत से जर्मन भाषा में किया था। पॉल ड्यूसन ने पूरे गर्भ उपनिषद का भी अनुवाद जर्मन भाषा में किया था जिसका बाद में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया था। पॉल ड्यूसन स्वामी विवेकानंद के मित्र थे और स्वामी जी के लेखों में पॉल ड्यूसन का संस्कृत भाषा और भारत की संस्कृति के प्रति रुचि का जिक्र भी मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं कि गर्भ उपनिषद में किन किन विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें सबसे पहले मानव शरीर की आंतरिक संरचना यानी ह्यूमन एनाटॉमी का वर्णन मिलता है। इसके बाद भ्रूण के शरीर का विकास और गर्भधारण से लेकर जन्म लेने तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके बाद आता है भ्रूण के लिंग का निर्धारण और जुड़वा बच्चों के जन्म से जुड़ी बातों का विवरण। इसमें वह सभी कारक बताए गए हैं जिससे जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। केवल भौतिक पहलू ही नहीं, गर्भ उपनिषद में स्त्री के अंदर विकसित हो रहे भ्रूण की मानसिक स्थिति और उस दौरान उसकी आध्यात्मिक चेतना के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया गया है। अंत में इसमें नवजात शिशु के शरीर की आंतरिक संरचना पर भी विस्तृत चर्चा देखने को मिलती है। चलिए सबसे पहले इस पुस्तक के सबसे रोचक विषय पर बात करते हैं और यह जानते हैं कि मनुष्य में गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म लेने तक पूरे 9 महीने भ्रूण किस प्रकार से विकसित होता है। शुक्र शोणित संयोगादा वर्तते गर्भो हृदि व्यवस्थाम नयति। अर्थात पुरुष के शुक्र यानी स्पर्म और स्त्री के शोणित यानी ओवम के समागम से गर्भ का निर्माण होता है। पिप्पलाद ऋषि कहते हैं, एक रात्र शोणितम कलिलम भवति। अर्थात एक रात में भ्रूण एक सूक्ष्म गांठ का रूप ले लेता है। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के अनुसार इसी सूक्ष्म गांठ को जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। सप्तरात्रोषितम बुद्बुदम भवति। अर्थात 7 दिनों के बाद यह गर्भ बुलबुले का रूप ले लेता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अर्धमासाभ्यंतरेण पिंडो भवति। इसका अर्थ है कि 15 दिन के बाद गर्भ मांस के पिंड जैसा दिखता है। एक महीना पूरा होने तक यह मांस का पिंड कठोर हो जाता है यानी मासाभ्यंतरेण कठिनो भवति। एक महीने के बाद इस गर्भ को भ्रूण यानी एम्ब्रियो कहा जाता है। अगली प्रक्रिया होती है गर्भधारण के 2 महीने पूरे होने के बाद। मासद्वयेन शिरः संपद्यते यानी 2 महीने के बाद गर्भ का सिर बनने का कार्य
पूरा हो जाता है। मासत्रयेन पाद प्रवेशो भवति, यानी 3 महीने बाद भ्रूण के पैर बनकर तैयार हो जाते हैं। चतुर्थे मासे जठर कटी प्रदेशो भवति, अर्थात 4थे महीने में भ्रूण की उंगलियां, पेट और कूल्हे का निर्माण हो जाता है। फिर आता है 5वां महीना, जिसके बारे में कहा गया है, पंचमे मासे पृष्ठवंशो भवति, यानी 5वें महीने में भ्रूण की पीठ और रीढ़ की हड्डी बन जाती है। 6थे मासे मुख नासिकाक्षे श्रोत्राणि भवन्ति, यानी 6ठे महीने में भ्रूण का मुंह, कान और नाक बनकर तैयार हो जाते हैं। 7वें महीने में होता है एक बहुत ही बड़ा बदलाव, 7थ मासे जीवेन संयुक्तो भवति, अर्थात 7वें महीने में भ्रूण का शरीर अपनी आत्मा से जुड़ जाता है, अब यह एक संपूर्ण जीव बन जाता है। आपने देखा होगा कि जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, यानी जिनका जन्म 9 महीने पूरा होने से पहले ही हो जाता है, उनके जीवित होने की संभावना तभी होती है जब उनका जन्म कम से कम 7वें महीने में हुआ हो। इससे पहले जन्मे बच्चे जीवित नहीं रह पाते। बढ़ते हैं 8वें महीने की ओर। इसके लिए कहा गया है, अष्टमे मासे सर्व संपूर्णो भवति, यानी 8वें महीने में भ्रूण के शरीर के सभी अंग बनकर तैयार हो जाते हैं। अंत में आता है 9वां महीना, नवम सर्व लक्षणम संपूर्णो भवति, यानी 9वें महीने तक भ्रूण की समझने की और चीजों की अनुभूति करने की क्षमता पूरी तरह विकसित हो जाती है। इस प्रकार पूरे 9 महीने के भ्रूण के विकास के सभी चरणों के बारे में पिप्पलाद ऋषि ने गर्भ उपनिषद में बताया है। महर्षि पिप्पलाद द्वारा बताए गए यह सभी चरण बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आज हम आधुनिक भ्रूण विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ते हैं। केवल ऋषि मुनियों द्वारा लिखी पुस्तकों में ही नहीं, भारत के उन्नत प्राचीन विज्ञान के कई प्रमाण हमारे मंदिरों में भी देखने को मिलते हैं, जो आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पुराने हैं। जैसा कि गर्भ उपनिषद में बताया गया है कि स्पर्म और ओवम के मिलने से गर्भ का निर्माण होता है, इसका प्रमाण तमिलनाडु के वरामूर्तेश्वर मंदिर में देखने को मिलता है, जो आज से 5000 से 6000 वर्ष पुराना है। यहाँ गर्भ उपनिषद के अनुसार स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया और भ्रूण के विकास के चरण पत्थर पर उकेरे गए हैं। वह ज्ञान जो पश्चिमी देशों को 300 साल पहले मिला, वह हमारे मंदिरों में हजारों वर्ष पहले भी देखने को मिलता था, और वह भी तब जब ना तो आज की तरह कोई माइक्रोस्कोप हुआ करते थे, ना कोई अल्ट्रासाउंड मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गर्भ उपनिषद के अनुसार भ्रूण के लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी यह कैसे पहचाना जाएगा कि गर्भ में पल रहा भ्रूण स्त्री है या पुरुष। इसके बारे में कहा गया है, पितुरेतो तिरिक्तात पुरुषो भवति, यानी अगर पिता का वीर्य अधिक शक्तिशाली हो तो लड़के का जन्म होगा। वहीं लड़की के जन्म के लिए कहा गया है, मातुः रेतो तिरिक्तात स्त्रियो भवति, यानी अगर माता का शोणित अधिक शक्तिशाली हो तो लड़की का जन्म होता है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि बीज तुल्यत्वान नपुंसको भवति, यानी अगर माता का शोणित और पिता का वीर्य दोनों समान रूप से शक्तिशाली हो तो नपुंसक का जन्म होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नपुंसक एक प्रकार का लिंग है, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। संस्कृत भाषा में भी 3 प्रकार के लिंग की व्यवस्था है, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। हालांकि आधुनिक विज्ञान में किसी एक के बलशाली होने से भ्रूण के लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह सब हमारे अंदर मौजूद गुण सूत्र यानी क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है, और बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम्स द्वारा होता है, इसमें माता की कोई भूमिका नहीं होती। इसके बाद यह प्रश्न उठता है कि आखिर जुड़वा बच्चों का जन्म कैसे होता है। अन्योन्य वायु परिपीडित शुक्र द्वैध्या दवी धातनुः स्याततो युग्माः प्रजायन्ते। इसका अर्थ यह है कि स्पर्म और ओवम से बनने वाला युग्मनज यानी जाइगोट जब स्त्री के शरीर में मौजूद वायु तत्व के कारण विभाजित होता है तो उससे वह जाइगोट 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिससे जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। इसके बाद चलते हैं इस पुस्तक के अगले हिस्से पर, जहां महर्षि पिप्पलाद ने बताया है कि एक मनुष्य के शरीर की आंतरिक संरचना के निर्माण के लिए कौन कौन से तत्व, रस, गुण और धातु आवश्यक हैं। पिप्पलाद ऋषि बताते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिन्हें 5 महाभूत भी कहा जाता है। यह 5 तत्व है अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्री रामचरित मानस में लिखते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व रचित अधम शरीरा, अर्थात हमारा यह शरीर क्षिति यानी पृथ्वी, जल यानी पानी, पावक यानी अग्नि,
गगन यानी आकाश और समीरा यानी वायु से मिलकर बना है। हमारे शरीर में जो कुछ भी ठोस है वह पृथ्वी तत्व है, जो कुछ भी तरल है वह जल तत्व है। शरीर की गर्मी यानी ऊर्जा अग्नि तत्व है। शरीर के अंदर होने वाली सभी हलचल अग्नि तत्व के कारण है। आकाश तत्व वह है जिसमें शरीर स्थित है और शरीर के अंदर की सभी नलियां और गुहाएं यानी खाली स्थान इसी आकाश तत्व का हिस्सा है। इन पंच तत्वों का हमारे शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। पृथ्वी तत्व हमारे सभी अंगों के लिए एक ठोस आधार बनाने का कार्य करता है। जल तत्व का काम है शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ना। अग्नि तत्व वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। वायु तत्व शरीर को गति देता है, तो वही आकाश तत्व शरीर के सभी अंगों को स्थान देता है। पंच तत्वों के बाद पिपलाद ऋषि 10 प्रकार की इंद्रियों के बारे में भी बताते हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आँख देखने के लिए, जीवा स्वाद लेने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए और त्वचा स्पर्श महसूस करने के लिए। 5 कर्मेंद्रियां हैं मुख बोलने के लिए, पैर चलने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, गुदा मल त्याग के लिए और जननांग संतान की उत्पत्ति के लिए। इसके अलावा गर्भोपनिषद में 4 आंतरिक इंद्रियों का भी वर्णन मिलता है, जिनको अंतःकरण यानी कॉन्साइंस भी कहते हैं। यह आंतरिक इंद्रियां हैं बुद्धि, जो सोचने समझने का कार्य करती है, मन, जो कल्पना करने का कार्य करता है, चित्त, जो चीजों का स्मरण करता है, और अहंकार, जो मैं और मेरा की धारणा बनाता है। इसके आगे पिपलाद ऋषि बताते हैं कि हमारे शरीर की कार्य प्रणाली 6 प्रकार के रसों पर निर्भर करती है। यह 6 रस है मीठा, तीखा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और कसैला। इसके अलावा गर्भोपनिषद में शरीर की अवस्था के 6 परिवर्तन भी बताए गए हैं, जैसे कोख में भ्रूण का आना, जन्म, वृद्धि, परिपक्व होना, क्षय होना यानी बुढ़ापा आना और अंत में मृत्यु। इनके अलावा शरीर के 6 चक्र हैं, जो हमारे प्राण के आधार हैं। यह 6 चक्र हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। गर्भोपनिषद में शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु और उनके रंगों की बात भी कही गई है। यह 7 धातु है रस, जो सफेद रंग का होता है, रक्त का रंग लाल होता है, मांस श्याम रंग का होता है, वसा धूम्र यानी धुएं के रंग का होता है, हड्डी का रंग पीला, हड्डी के अंदर स्थित मज्जा का रंग भूरा होता है और वीर्य का रंग पीला सफेद होता है। इसके बाद पिपलाद ऋषि यह भी बताते हैं कि शरीर में धातु बनती कैसे है। उनके अनुसार भोजन से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से वसा, वसा से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से वीर्य बनता है, जिससे अंततः भ्रूण का निर्माण होता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गर्भ में विकसित होते समय भ्रूण की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति कैसी होती है और उस दौरान भ्रूण अपने पिछले जन्मों और आने वाले जन्म के बारे में क्या सोचता है। इसका पूरा वर्णन गर्भोपनिषद में मिलता है। नाना योनि सहस्राणी दृष्ट्वा चैव ततोमया आहारा विविधा भुक्ताः पीताश्व विविधा स्तनाः। अपने पिछले जन्मों को याद करते हुए भ्रूण यह सोचता है कि मैंने हजारों गर्भ देखे हैं, अनेक प्रकार के भोजन का स्वाद चखा है और अनेक माताओं के स्तनों से दूध पिया है। इसके बाद वह सोचता है जातस्यैव मृतस्यैव जन्मचैव पुनः पुनः अहो दुखो दधौव मग्नः न पश्यामि प्रतिक्रियाम। अर्थात मैं बार बार पैदा हुआ हूँ और मर गया हूँ, मैं पुनर्जन्म के चक्र के अधीन रहा हूँ, गर्भ में रहते हुए बहुत कष्ट होता है। वह भ्रूण ईश्वर से अपने पिछले सभी पापों के लिए क्षमा मांगता है और अगले जन्म में उन्हें न दोहराने की बात सोचता है। भ्रूण की जीवात्मा ऐसे ही चिंतन करती रहती है। वह अपने सभी पापों, अज्ञानता और इच्छाओं से घृणित हो जाता है। पर जैसे ही वह भ्रूण एक शिशु के रूप में जन्म लेता है, वह वैष्णव वायु के संपर्क में आता है, जिससे उसके पिछले जन्मों की सभी यादें मिट जाती हैं और वह सब कुछ भूल जाता है। गर्भोपनिषद का अंतिम भाग है नवजात शिशु के शरीर की संरचना। महर्षि पिपलाद के अनुसार नवजात शिशु की खोपड़ी 4 हड्डियों से बनी होती है। मुंह के अंदर 2 पंक्तियों में 16 खाने बने होते हैं, जिन पर बाद में दांत निकलते हैं। शरीर में 107 मुलायम स्थान होते हैं। हड्डियों के 180 जोड़, 500 मांसपेशियां, 360 हड्डियां और बालों के लिए 4 करोड़ छिद्र होते हैं।
गर्भोपनिषद में मानव शरीर और भ्रूण के विकास से जुड़ी कई बातें आज के आधुनिक भ्रूण विज्ञान से काफी हद तक समान है। हाँ, समय के साथ हर विषय पर नई खोजें भी होती रहती है, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन भारत का विज्ञान कई मायनों में अपने समय से वर्षों आगे था। आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल।